इतिहास की एक ऐसी घटना जिसके चलते पाकिस्तानी सेना आज भी भारत से खौफ खाती है। दरअसल ये बात है 2012 की, जब 7 अप्रैल की सुबह सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में एक हिमस्खलन हुआ जिसमें पाकिस्तान के 129 जवान और 11 आम नागरिक मारे गए और इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पर अब आप कहोगे कि इससे भारतीय सेना का क्या लेना देना। तो देखो, अब कहने को तो ये एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने रा और डीआरडीओ के साथ मिलकर अपने काली वेपन का परीक्षण किया है। अब काली वेपन एक ऐसा हथियार है जिसमें से हाई लेजर बीम निकलता है जो एक ही टाइम पर हजारों किलोवाट एनर्जी जनरेट करता है। अब पाकिस्तान का मानना था कि भारत ने अपने ऑपरेशन व्हाइट वॉश के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर इसका यूज किया, जिससे तेजी से बर्फ पिघली और हिमस्खलन आ गया। और इस मामले को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल तक उठाया और जब भारत से इसके बारे में पूछा गया तो भारत ने साफ कह दिया कि हम कालियां व्हाइट वॉश में से किसी को भी नहीं जानते और ना ही हमारा इस घटना से कोई लेना देना है, जिसके बाद इसे एक प्राकृतिक घटना घोषित कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान आज भी इसे काली का कारनामा मानता है। चीटिंग 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 करता है तू।